अच्छा हिंदी में अंग्रेजी में क्या नहीं हिंदी लैंग्वेज बंगाली बोलो देखो कैरियर के बहुत लोग इसको खड़ा होके भी कहते हैं बट खड़ा होके चैंपियनशिप वर्ल्ड खड़ा होके चैंपियनशिप मुझे पर्सनली कैरियर से बहुत लगाव है और बहुत सालों से कॉलेज के बाद भी तो इसीलिए मैंने इसमें इतनी दिलचस्पी साहब ये दोस्त भी है और ये चैम्पियनशिप जो है इट्स मेरे लिए कैरियर ही सबसे बड़ा जो कहते हैं इंसेंटिव है इसलिए मैं यहाँ पे आपके एज अ पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ जजेस बना सो एंड इट्स ग्रेट फन और इतनी बड़ी कैरियर की फॉलोइंग है और बढ़ रही है इस मुल्क में और कई जो सिंगर होते हैं जो बड़े बड़े सो कॉल्ड टेलीविजन रियलिटी सिंगिंग शोज में नहीं जा पाते तो ये एक छोटा मंच है जो बहुत बड़ा बन सकता है फिलहाल शुरुआत है और बहुत अच्छे सिंगर्स को यहाँ पर आने का मौका मिलता है और देश भर के स्टेट से तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इवेंट एंड मुझे यकीन है कि ये इन द फ्यूचर बहुत एक बड़ा इवेंट मेगा इवेंट बन जाएगा श्योर एंड माय बेस्ट विशेस कुछ नहीं आप लोग कुछ नहीं आप लोग माइक लिए खड़े हो पूछ लो अभी मैंने वही पूरा आपको बोला कि कैरियोके का देखिए हिंदुस्तान में आप सब गाते हैं मतलब बाथरूम से लेके मतलब हर जगह शावर में गाते हैं हर जगह तो गाता है इंसान पैदा होता है मरता है हिंदुस्तानी गाता ही है गाता रहे मेरा दिल कोई और बढ़ेगा बिल बट यू नो इट्स यू नो तो ये एक उस चीज़ जो हर एक जो हिंदुस्तानी है जो गाना चाहता है चाहे वो स्टूडेंट हो अंकल आंटी कोई गांव का हो बड़े शहर का हो तो ये एक माध्यम है एंड आई थिंक बहुत प्यारा सा माध्यम है एंड इट्स कॉट ऑन इट्स कैचिंग ऑन या आपने जैसे अभी कहा था कॉलेज में आप कैरियर में क्या पार्ट कर रहे तो कौन सा सॉन्ग आपके लिए एकदम बेस्ट था एकदम खास था कैरियर में मैं जो है वो मतलब RD11 के गाने या किशोर दा के जो मस्ती वाले गाने या मुकेश साहब के जो दिल सैड टाइप के गाने यू नो तो काफ़ी तो पूरा मेरा रंजन जोगर का था जैसे कि वो देखा ना हर वो था एंड देन यम्मा यम्मा तो ये सब जो उस वक्त तो पॉपुलर मेरी आवाज़ जो इस हिसाब से चलती है नॉट अ सिंगर बट ठीक है गा लेते हैं सॉन्ग अभी कैरियोके होगा तो बजाएंगे ना कहाँ से गए कैरियोके आएगा तो गाएंगे बट वो कॉम्पिटिशन के दिन कुछ ना कुछ करेंगे मस्ती करेंगे बट आनंद सिंह के आप लोगों को भी मज़ा आता होगा ना अभी काफ़ी लेकिन बढ़ रहा है ये जो एडवाइस कुछ नहीं यार सब गाते हैं सब समझते हैं सब टेलीविजन पे देख चुके हैं वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड इंटरनेट ये सब चीज़ों की वजह से सब ट्रेनिंग भी आजकल हर चीज़ लोग इंटरनेट पे सीख रहे हैं गाना भी सीख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं मेरा बेटा कीबोर्ड बैठे इंटरनेट पे सीखा सो आई थिंक एडवाइस की किसी को ज़रूरत है नहीं जो गुरु होते हैं मेन जो बड़े बड़े जो होते हैं उनसे कुछ जो होती है कि किस तरह से आवाज़ को संभालना पकड़ना सुर को मिट जो भी तो ये जो चीज़ें होती हैं वो तो उनके गुरु ही देंगे और ये है कि इट्स अ फन थिंग ये बहुत ही फन ओरिएंटेड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑफकोर्स सीरियसनेस ऑफ सिंगिंग है सुर और ताल की बहुत ज़रूरत है लेकिन ऑन दी होल इट्स अ फन वेरी लाइट वेट कोई इंटिमिडिएटिंग नहीं है कि बहुत सारे पब्लिक बैठी है जजेस बैठे हैं एकदम इट्स अ फन प्लेटफॉर्म तो जो पार्टिसिपेंट है ना वो बहुत रिलैक्स सा रहता है इट्स लाइक अपने दोस्तों के सामने कुछ गा रहा है सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस आपने बूगी बूगी शो भी किया था कैन यू रिलेट दिस शो विद दैट नहीं वो एक अलग चीज़ थी बूगी वाज अ नेशनल प्लेटफॉर्म ऑन अ टेलीविजन शो उसका एक लाइक दिस इज नाउ कमिंग अप ये एक मोर इंटीमेट है 500-400 लोग बैठते हैं फाइनल्स वहाँ पे होता है इट्स नॉट लाइक स्टेडियम में कुछ बहुत बड़ा फाइनल हो रहा है बट इट कैन गो देयर ये शुरुआत है और कैरियोके का मतलब वो है नहीं कैरियोके का मतलब ही ऐसा है कि छोटे एक बहुत ही इंटीमेट एटमोसफेयर में आप जहाँ कंटेस्टेंट को लगे नहीं कि यार मैं कुछ हज़ारों लोगों के सामने बैठा हूँ और जज किया जा रहा हूँ टीवी कैमरे देख रहे हैं इट्स अ फन एटमोसफेयर कैरियोके का मतलब ही वो है तो इसको इससे बड़ा करने जाएंगे तो फिर वो कैरियोके का जो एसेंस है वो निकल जाएगा सर
देखिए यार, हमने लाए थे 17 साल चला, इट्स ओरिजिनल शो। उससे पहले तो अमेरिका में भी शो नहीं था ऐसा, ये सो ही तो इंडियन डांस और डांस ये वो वगैरह वो तो सब बाद में, हमारा शो तो उससे बहुत पहले था। सो आई होप कुछ ना कुछ हो सकेगा, मतलब हम तो बहुत हमारा बहुत लगा हुआ है उससे। जब सर आपको देखें बहुत अच्छे सिंगर है, पैपी सॉन्ग्स और फनी सॉन्ग्स हमेशा से आपसे जुड़ा हुआ है, सब चाहते थे कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे भी आप कुछ आज गुनगुना दें। नहीं, जब मैंने वही यू नो कि जो कैरियोके होता है कि आप पॉपुलर गाने जो होते हैं उसके ऊपर बैक ट्रैक बजता है और उसके ऊपर आपको गा। अभी फिलहाल तुम महाराज देख रहे हो मेरे, मैं चिल्ला रहा था कहीं बहुत जोर जोर से पूरा। सो या बट आई थिंक ऑन द डे ऑफ द फाइनल थोड़ा करेंगे ना। कुछ एक ऐसा ट्रैक हो जाए मुंबई वाला, जो मुंबई में आज कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है, तो चाहते सर आप वो गाने को डेडिकेट कर दें। Mumbai, ekdam danger place, where you survive if you've got the pace. You've got to be fast, you've got to be tez, you've got to be shana to win the race. Chota chota matter bane police case, bada bada lafada, goal without trace. Eh, ghabrane ka nahi, give it in the face. So, kya bolta hai? Haan, jaisa desh, vaisa bhes. Dikhe vaithi ganga, pocket se nikle kanga. Dekhke vanna panga vanna ho jayega danga. Sam pe pila bhala changa, sama bhik manga. Cannot judge anybody, sarifa la panga. भाई गिरी को छोड़ सा बकवास, भाई का अंडर जो रहता बिंदास, भाई को जाएगा त्रास, होएगा वो खलास, भाएगा उसका ब्लड जस्ट लाइक टमाटो सास। अरे बाप रे, ओके थैंक यू। Well, you know, on a very light.